लैपटॉप, पीसी, कीबोर्ड, माउस और कैमरा जैसे महंगे डिवाइसेस पर जमने वाली डस्ट हम सभी को परेशान करती है ना। ऐसे में इससे बचने के लिए सिर्फ ये एक गैजेट चाहिए आपको, ये है क्लिको, एक तरह का मॉड्यूलर ब्रशिंग सिस्टम। सरफेस कोई भी हो, फिर चाहे कीबोर्ड की कीज हो या फिर उसमें कॉर्नर की नैरो जगह, हर तरह की सरफेसेस को क्लीन करने के लिए इसमें एक दो नहीं बल्कि 8 डिफरेंट टाइप्स के ब्रश हेड्स मौजूद रहते हैं। जैसे मान लो आपके कैमरा लेंस को क्लीन करना है, जो काफी सेंसिटिव भी होता है, तो उसके लिए इसमें एक छोटा सॉफ्ट ब्रश रहता है। वहीं स्मार्टफोन की स्क्रीन साफ करनी हो तो उसके लिए इसमें है माइक्रोफाइबर हेड, और इसका ये मैग्नेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाने वाला फीचर तो वाकई में बहुत कमाल का है। मतलब ये मैग्नेट से ऐसे कनेक्ट हो जाता है, यानी आप इसे काफी सारी फिजेटिंग भी कर सकते हो और ए टू जेड आपके जितने भी गैजेट्स एंड डिवाइसेस हैं उन्हें इससे रख सकते हो क्लीन ऑलवेज। गाइस, किसी से भी पूछो कि उसका फेवरेट वेदर कौन सा है तो ज्यादातर लोग सर्दियों को ही अपना फेवरेट मानते हैं, क्योंकि समर्स में गर्मी से हालत खराब हो जाती है। घर में तो चलो एसी कूलर से थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, बट अगर आप घर से बाहर हो तो क्या करोगे? तो फिर आप यूज कर सकते हो चिल्स्ट्रो। साइज में छोटा होने के बावजूद ये एक काफी पावरफुल एयर कूलर है और ब्लूटूथ स्पीकर भी है, मतलब एक 2-in-1 गैजेट। आउटडोर इसे आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो एंड बाहर आपको ये अपनी ठंडी ठंडी हवा से बिल्कुल चिल्ड रखेगा, और ब्लूटूथ के जरिए इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके आप इसमें म्यूजिक भी बजा सकते हो। म्यूजिक सुनते सुनते फोन की बैटरी लो हो जाए तो बस इसमें एक केबल प्लग इन करो एंड उसे भी चार्ज कर लो, यानी आपकी आउटडोर ट्रिप्स पर ठंडी हवा देने के साथ साथ ये आपकी बेसिक और एसेंशियल नीड्स का भी पूरा ध्यान रखेगा। विंडोज को क्लीन करने में हालत खराब हो जाती है, उसमें लगे दाग छुड़ाने और गंदगी को हटाने में बहुत टाइम एंड मेहनत कंज्यूम होता है। ऐसे में आप बाकी का घर साफ कर लो एंड विंडोज को साफ करने का काम आप छोड़ दो इस विंडो क्लीनिंग रोबोट पर। बस इसके वाटर टैंक में वाटर फिल करके इसे अपनी उस विंडो पर लगा दो जो आपको क्लीन करनी है, और ये ऊपर से नीचे तक विंडो ग्लास के एक एक स्पॉट को बिल्कुल क्लीन कर देगा। क्लीनिंग के टाइम ये वाटर स्प्रे करता जाता है और फिर उसके ऊपर से होते हुए एक ऑर्गेनाइज्ड पाथ पर चलकर पूरी विंडो को कर देता है क्लीन। सिर्फ मिड ही नहीं बल्कि कॉर्नर्स को भी ये परफेक्टली कवर कर लेता है। मतलब पूरे घर की विंडोज अगर आप साफ करने बैठोगे तो 4-5 घंटे का टाइम तो आराम से मान लो, बट ये काम ये रोबोट काफी जल्दी कर देता है और आपकी टाइम एंड मेहनत बच जाती है। उतनी देर में आप अपने दूसरे काम कर सकते हो। आप ऐसे कई लोगों ने मुझे बोला था पिछली कुछ वीडियोस में एक बढ़िया सा गेमिंग हेडसेट दिखाने को, तो पेश है ये RGB गेमिंग हेडसेट विद माइक। नॉर्मल बोरिंग हेडफोन से ये गेमिंग हेडफोन्स बहुत ज्यादा कूल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें है RGB लाइट्स जो इसमें दोनों साइड्स पर देखने मिल जाती हैं। देर तक गेमिंग करते हो आप, यानी कंफर्ट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो डोंट वरी, इसके EMFs बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कानों पर। मतलब इन्हें पहनकर आप काफी देर तक भी गेमिंग कर सकते हो। वैसे इसके माइक का डिजाइन भी आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि माइक इसमें सीधे एक साइड पर अटैच रहता है एंड जब जरूरत हो उसे स्लाइड करके नीचे कर लो एंड गेमिंग कर लेने के बाद वापस से उसे ऊपर कर दो, एज सिंपल एज दैट। एंड ये भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि नॉइस कैंसलिंग माइक है, सो भले ही आपके आसपास शोर हो रहा हो लेकिन आपके फ्रेंड्स को आपकी वॉइस बिल्कुल ही क्लियर सुनाई देगी। गज विंडोज पर चलने वाला रोबोट तो आपने देख लिया, अब मिली है वॉल्स पर चलने वाली इन रिमोट कंट्रोल कार से। किसी रिलेटिव के या अपने घर में भी किसी किड का बर्थडे है तो उसे गिफ्ट करने के लिए ये कार्स परफेक्ट हैं। यकीन मानिए ये कार्स उसे बाकी सारे गिफ्ट से भी बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। न सिर्फ ये वॉल्स पर चलती हैं बल्कि 360 डिग्रीज तक रोटेट भी करती हैं, और वॉल्स पर चलाने से भी अगर मन ना भरे तो इसे सीलिंग पर उल्टा करके भी चलाया जा सकता है। इवन ग्लास यानी कांच पर भी चल सकती हैं ये, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल वॉल्स पर ही चलेंगी ये। बस चार्जिंग केबल को इनमें प्लग इन करके इन्हें चार्ज कर लो और फिर मजे से जहां मर्जी करे वहां इन्हें चिपका कर चलाओ। अगर आप अपने घर में सिक्योरिटी कैमरास लगवाने की सोच रहे हो तो नॉर्मल वाले सिक्योरिटी कैमरा से कहीं ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स तो आपको इस कैम में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो इसे आप ना सिर्फ वॉल्स पर बल्कि अपने गार्डन वगैरह में या फिर इवन अपने घर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर इसे आप किसी ट्री वगैरह में लगा दोगे तो उस ट्री पर आने वाली बर्ड्स को ये पहचान लेगा एंड तुरंत ही आपको नोटिफाई भी कर देगा। मतलब इसका ये फीचर आपको एक तरह से नेचर से कनेक्ट करने में काफी मदद कर सकता है। इसमें आपको अलग से कोई वायर वगैरह भी लगाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसकी बिल्ट इन बैटरी को एक बार चार्ज करने पर आप इसे पूरे 5 months तक यूज कर पाओगे। एंड वाटरप्रूफ तो ये है ही, अगर इसके आसपास कोई पर्सन आता है गलत इरादे से तो ये उसके मोशन को डिटेक्ट कर लेगा एंड तुरंत ही आपके स्मार्टफोन पर नोटिफाई करके आपको भी अलर्ट कर देगा। एंड फिर आप इसमें लाउड अलार्म बजा सकते हो जिससे वो चोर वगैरह जो भी है वो डरकर भाग जाएगा। तो कुल मिलाकर इंडोर से लेकर आउटडोर आपके घर की सिक्योरिटी को ये स्मार्ट कैम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है तो जाहिर है आपको बड़े वाले स्पीकर्स ही लाने पड़ेंगे, बट अगर आप अपने स्मार्टफोन से म्यूजिक प्ले करने के लिए कॉम्पैक्ट या कहें कि मिनी साइज में
पावरफुल स्पीकर्स ढूंढ रहे हो तो आपकी ये सर्च यहीं पर खत्म होती है। मिलिए Duo 10 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर से। इसके बॉर्डर्स में रहती हैं RGB लाइट्स जो म्यूजिक की बीट्स के साथ साथ ग्लो करती हैं, और ये स्पीकर्स आउटडोर्स यूसेज के लिए भी परफेक्ट हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होते हैं एंड इसके स्ट्रॉन्ग सक्शन कप की मदद से आप किसी भी वर्टिकल सर्फेस पर भी इन्हें स्टिक कर सकते हो। अब गेम्स चाहे आपको अपने स्मार्टफोन पर खेलने हो या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट पर कहीं भी, इसके लिए आप ये वायरलेस कंट्रोलर यूज कर सकते हो। बट वेट, यही वाला कंट्रोलर क्यों? तो वेल, इसका एक रीजन तो आप खुद ही देख रहे हो। ये कंट्रोलर LED लाइट्स के साथ आता है, यानी इसकी डिजाइन एक तरह की ओपन बॉडी डिजाइन रहती है। मतलब इसमें लाइटिंग के साथ साथ इस कंट्रोलर के इंटीरियर्स भी आपको क्लियरली दिखाई देंगे, तो काफी हद तक ये चीज इसे नॉर्मल कंट्रोलर से बहुत ज्यादा अलग कर देती है और इंटरेस्टिंग भी बना देती है। बाकी वायरलेस कंट्रोलर तो ये है ही, तो इससे आप अपने किसी भी डिवाइस पर गेमिंग कर सकते हो। AMT ट्विटर, एक्सप्लोजिव बेस और लॉसलेस ऑडियो जैसे कमाल के सुपर हाईटेक फीचर्स के साथ आने वाले इस स्पीकर की बात करूं तो ये सारे ही फीचर्स जो मैंने आपको जस्ट अभी बताए उनसे भी एक कदम आगे है इसकी आइकॉनिक डिजाइन। यहां पर मैं इसके लुक्स की बात कर रहा हूं। ना सिर्फ आपको इसमें टॉप नॉच की अल्टीमेट ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगी बल्कि इसकी आउटस्टैंडिंग डिजाइन किसी भी इंटीरियर को इन्हांस करने के लिए काफी है। जहां भी इसे आप रख दोगे वो स्पेस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर दिखने लगेगा। तो इस ऑसम स्पीकर के बारे में आपका क्या कहना है ये मुझे आप कमेंट्स में बताओ। रोड एंड स्ट्रीट्स पर स्ट्रीट लैंप्स क्यों लगे रहते हैं? जाहिर है इसीलिए कि लाइट रहे और आपको आगे का रास्ता एंड अपने आसपास की चीजें रात में भी क्लियरली दिखाई दे अंधेरे में। लेकिन सोचिए अगर आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पर कहीं घूमने वगैरह गए हो, ऐसे में रात के टाइम आप किसी सुनसान इलाके में हो तो ऐसे में नॉर्मल फ्लैश लाइट या फिर इवन फोन की लाइट से भी आप क्लियरली नहीं देख सकते, ना ही वो ज्यादा एरिया कवर कर पाएगी। ऐसे में आप यूज कर सकते हो आउटटास्क का। ये एक टेलीस्कोपिक लैंटर्न है, इसे आप अपने बैग में लगा लोगे तो एक स्ट्रीट लैंप की ही तरह से इसकी रोशनी में भी आप अपने आगे का रास्ता क्लियरली देख पाओगे। वहीं जब चाहे तब इसे आप एक फ्लैशलाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें ट्राइपॉड पहले से ही मौजूद रहता है जिसे आप सिर्फ एक क्लिक करके ही ओपन कर सकते हो। अब इतनी ब्राइट लाइट है इसमें तो जाहिर है बैटरी कैपेसिटी भी इसकी काफी तगड़ी होगी, तो इसमें रहती है 12,000 mAh की पावरफुल बैटरी, यानी इससे आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज भी कर सकते हो। अब ऐसा कौन सा घर होगा जहां पर वेस्ट यानी कूड़ा करकट ना निकलता हो? सब्जियों और फलों के छिलके, प्लास्टिक के रैपर्स, पैकेट्स, बॉक्सेस, मतलब ये सब तो डेली हम सभी के यहाँ एज वेस्ट निकलता ही है और फेंक भी दिया जाता है और प्लैनेट को नुकसान भी करता है ये। लेकिन आपको पता है इस डिवाइस से आप इसी वेस्ट को कॉम्पोस्ट में यानी खाद में बदल सकते हो, मतलब उसे आप बेकार कचरे से यूजफुल कंपोस्ट में बदल सकते हो। इस कंपोस्ट को फिर आप गार्डन में अपने या फिर जहां भी आपने प्लांट्स वगैरह लगाए हों उनमें डाल सकते हो। इसके लिए बस जो भी वेस्ट आपके यहाँ निकला है उसे डाल लो इस डिवाइस में और थोड़ी ही देर में ये डिवाइस उस वेस्ट को खाद में कन्वर्ट कर देगा जिसे आप अपने प्लांट्स में डालकर उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कचरा ना फेंकने से आप प्लैनेट की भी मदद करोगे एंड आपको अपने प्लांट्स और गार्डन के लिए घर बैठे कॉम्पोस्ट भी मिल जाएगा। सो गाइस, अब आपकी बारी वीडियो को करने की लाइक, सो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स आपको मिलें सबसे पहले। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।